अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इंस्टा तरीके से हरी मिर्च का अचार बनाना सिखाऊंगी, जो कि मिनटों में तैयार हो जाता है और बहुत ही मज़ेदार होता है। तो चलिए आज रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो ये आधा किलो हरी मिर्चें हैं, जिनको मैंने अच्छी तरह से धो के खुश कर लिया है। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। ऊपर से इसकी ये जो डंडी है, इसको आपने उतार लेना है और इस मिर्च को आपने दो हिस्सों में इस तरह कर लेना है। और ये इसी तरह करते आप इस बाउल में इनको काट के तो डालते जाइए। ये देखें इस तरीके से। मिर्चों की हमने कटिंग कर ली है सारी। अब हम इसमें एक चम्मच जो है ये नमक का डाल देते हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तरह से तो उसको थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। नमक से ये होगा, ये मिर्चों का जो पानी है वो निकलेगा और इस तरह फिर जो है ये अचार जो है वो ख़राब नहीं होगा। इसमें पानी नहीं होगा, जो होगा वो निकल जाएगा और फिर अचार जो है वो सही रहेगा। तो इसको तकरीबन 7-8 मिनट के लिए हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। तो इसके बाद फिर हम मसाले बनाएंगे। ले जी, मसाले के लिए हम डालते हैं इसमें फ्राइंग पैन में ये सौंफ डाली है हमने एक चम्मच भर के, और एक चम्मच भर के हम इसमें मेथी दाना डाल देते हैं, और इसमें हम डालेंगे एक चम्मच भर के ही हम इसमें राई का डाल देते हैं, और एक चम्मच हम इसमें डालते हैं कलवंजी का। और हम इन सारी चीज़ों को हल्की आंच पे ड्राई रोस्ट करते हैं। हल्की आंच पे हमने इनको रोस्ट करना है ताकि ये जल ना जाए, और जैसे ही इनकी खुशबू आएगी हम इनको चूल्हा बंद कर देंगे और इसको हमने दरदरा सा पीस लेना है, बारीक नहीं दरदरा सा पीस लेना है। चम्मच बराबर चलाते जाए ताकि एक जैसा जो है वो मसाला जो है वो रोस्ट हो, ये ना हो के कुछ रोस्ट हो जाए, कुछ वैसे ही रह जाए। मसाला जो है ये रोस्ट हो गया है, अब हम चूल्हा बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए एक प्लेट में निकाल देते हैं। मसाला जो है ये ठंडा हो गया है, अब हम इसको ग्राइंड करते हैं। ये देखें जी, मसालों को मैंने दरदरा सा पीस लिया है, इसमें आपको साबुत भी नज़र आ रहा है और पिसा हुआ भी। अब इसमें हम एक छोटी चम्मच जो है ये हल्दी की ये डाल देते हैं, और एक छोटी चम्मच जो है ये सूखी मिर्च ये इसकी डाल देते हैं, और इसमें हम ये एक चम्मच जो है ये नमक का भी डाल देते हैं। अचार में नमक ज़्यादा हो तो फिर अचार ख़राब नहीं होता। एक उसमें ऑयल की क्वांटिटी होनी चाहिए पूरी, और दूसरा इसमें नमक का जो है वो इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा होता है, उससे जो है अचार ख़राब नहीं होता। और मिर्चों में मज़ीद खटास के लिए हम एक चम्मच भर के इसमें अमचूर का जो है ये भी मिक्स कर देते हैं। और अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से अब इन सारे मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं आपस में। अगर आपके पास कश्मीरी मिर्च हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, उससे ये है कि अचार का कलर अच्छा आएगा। मेरे पास नहीं है इसलिए मैंने नहीं डाली। ले जी, 10 मिनट हो गए हैं, मैंने मिर्चों को नमक लगा के रखा हुआ था, अभी चेक करते हैं। तो ये देखें नीचे जो है ना पानी जो है ना वो इकट्ठा हो गया है। तो अभी हम ये मिर्चों को में से जो पानी है ना उसको निकाल लेते हैं। मिर्चों में से मैंने पानी निकाल दिया है, अब हम इसमें ये जो मसाले हमने बना के रखे हुए थे ये सारे डाल देते हैं, और साथ में हम इसमें थोड़ा सारा विनीगर भी डाल देते हैं। 1-2 चम्मच जो है ये विनीगर डाल देते हैं, इससे ये होगा कि अचार जो है वो अच्छा थोड़ा खट्टा भी हो जाएगा और काफ़ी अरसे तक रहेगा। और साथ ही हम इसमें ये सरसों का जो तेल है ये भी डाल देते हैं। इसको मैंने गर्म नहीं किया, जैसे है ये वैसे ही है, इसी तरह डाल दिया है। अगर आप चाहें तो आप इसको गर्म कर सकते हैं। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ले जी, इंस्टेंट अचार जो है मिर्चों का तैयार हो चुका है, और ये बहुत ही मज़ेदार तैयार होता है। एक दफ़ा आप इसको ज़रूर बनाइएगा अगर आपने इससे पहले ट्राई नहीं किया तो।
अब आप इसको शीशे की बोतल में या प्लास्टिक के कंटेनर में किसी में भी डाल के रख दें, ऊपर उसके मज़ीद सरसों का तेल डाल दें जिसमें ये सारा अचार जो है डूब जाए, और इसको रोज़ाना आपने हिलाते रहना है। हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद जो अचार है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा खाने के लिए, और ये हर किस्म के आपके पसंदीदा खानों के साथ इसको आप इंजॉय कर सकते हैं। चलिए जी, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पसंद आती है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए जी, दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफिज़।